हेलो गाइस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट इसके बाद और पार्ट्स भी आएंगे और इससे पहले चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स आ चुके हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक के आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए उन्हें भी एंड विदाउट एनी फर्दर डील हम इसे भी स्टार्ट करते हैं क्वाड समिट ट्वेंटी विल बी होस्टेड बाई विच सिटी क्वाड आपको पता होगा चार देशों से मिलकर बनता है इंडिया जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो इस बार की समिट जो है 2023 की वो सिडनी होस्ट करेगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और ये बात भी याद रखने वाली है कि ये चारों कंट्रीज़ एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ करती हैं मालाबार के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखिएगा इसके साथ ही इंडिया इन तीन कंट्रीज़ के साथ टू प्लस टू डायलॉग भी करता है टू प्लस टू डायलॉग यू ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड कंट्रीज़ के अलावा सिर्फ एक रशिया ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया टू प्लस टू डायलॉग करता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड इन्हें याद रखिएगा स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल हैज़ बीन वॉन बाय इस बार का 2023 का स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता है लूका ब्राजिल ने लूका बेल्जियम के प्लेयर हैं बेल्जियम की तरफ से खेलते हैं और इस बार का वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर में लूका ब्राजिल बने हैं हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के नए प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अजय बांगा अजय वांगा इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर हैं और ये फोर्टीन प्रेजिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के अभी इनकी टर्म शुरू नहीं हुई है अभी जो करंट प्रेजिडेंट हैं वो डेविड मालपास ही हैं अजय वांगा की टर्म दो जून से शुरू होगी विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ये क्लाइमेट के ऊपर रिपोर्ट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज़ किया है इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसे एक बार जाके पढ़िएगा आप इसमें बता रखा है कि अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वो उसके रीजंस भी बता रखे क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में इसमें बताया गया है और ओशन्स में एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है जो ओशन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है दूसरा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सी लेवल राइज़ हो रहा है ऐसी कई सारी बातें इसमें बताई गई हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट है तो एक बार जाके पढ़िएगा इसे हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ अटोमिक एनर्जी कमीशन अटामिक एनर्जी कमीशन के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं ए के मोहंती अजीत कुमार मोहंती आप लोग इनका नाम जानते होंगे ये बार्क के भी डायरेक्टर है बाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर के इसका हेडक्वाटर मुंबई में है तो यही अब अटोमिक एनर्जी कमीशन के भी नए चेयरमैन बने हैं हुन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इस बार जीता है सरजियो परेज ने ये मैक्सिको के ड्राइवर हैं रेड बुल की तरफ से ही ड्राइव करते हैं नेशनैलिटी इनकी मैक्सिको है और इससे पहले बाहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी जिसे जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने मैक्स वर्स्टन भी रेड बुल की तरफ से ही रेस करते हैं इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद विच कंट्री इंडिया ने अभी हाल ही में इसराइल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है ये हमने अपनी इंडस्ट्रियल रिसर्च को बूस्ट देने के लिए और आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए यह किया है इसराइल इंडिया की एक फ्रेंडली कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया अलोंग विद विच कंट्री आर लुकिंग टू एक्सेप्ट रुपए एंड मीर कार्ड्स फॉर इजी पेमेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि रशिया के ऊपर जब से स्विफ्ट का बैन लगा है तो वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो अपनी करेंसी से करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसलिए इंडिया और रशिया दोनों रुपए और मीर कार्ड्स को एक्सेप्ट करने की इस पर बात चल रही है और अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि यू और पे नाउ को एक्सेप्टेंस मिल गया है तो दोनों ही कंट्रीज अपनी करेंसी को बूस्ट देने के लिए ऐसे कदम उठा रही हैं प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ट्राइब ये नीशी ट्राइब नीशी ट्राइब के लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जहां पर इन्होंने ये कम्युनिटी लेवल का प्रोग्राम शुरू किया है ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है इसमें ये वहीं गाँव के लोगों ने ही ये आपस में मिलकर शुरू किया है इसमें ये लोग क्या करते हैं हॉर्नबिल के जो नेस्ट होते हैं उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उनका रख रखाव ये लोग खुद ही करते हैं ऐसे ही एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एस के एग्ज़ाम्स में ये उनके फेवरेट क्वेश्चन में से है तो आप एक बार मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायोलिटरल अग्रीमेंट बिटवीन यू एस एंड विच कंट्री वाशिंगटन डिक्लेरेशन यू एस ए ने साउथ कोरिया के साथ साइन किया है इस डिक्लेरेशन में ये लिखा है कि साउथ कोरिया अब अपने न्यूक्लियर आरस नहीं बनाएगा और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कभी सिनेरियो बनता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने वाला है तो उस केस में यू इन्हें बचाएगा जिसके लिए यूएसए ने अपनी एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन साउथ कोरिया के पास ला के वो डिप्लॉय करेंगे लेकिन ये भी परमानेंटली डिप्लॉय नहीं रहेगी वो कुछ दिन यहां पर आएगी फिर वापस चली जाएगी फिर कुछ दिन बाद आएगी फिर वापस चली जाएगी उसका आना जाना लगा रहेगा तो ऐसा कुछ कह के यूएसए ने साउथ कोरिया को इस पर साइन करवाया है ये थोड़ा बहुत केस ताइवान के जैसे सभी साउंड करता है लेकिन ये साउथ कोरिया के लिए फायदेमंद साबित होता है या नहीं ये आने वाला वक्त हमें बता ही देगा वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023? ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट विच पेयर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इस बार हिस्ट्री क्रिएट की है हिस्ट्री इसलिए क्योंकि 1965 में दिनेश खन्ना ने मैन सिंगल्स में गोल्ड जीता था जिसके बाद अब जाकर हमें गोल्ड मिला है 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी विच एक्ट्रेस विल गेट बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड इन लंडन बाफ्टा बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स और ये अवार्ड मिला है मीरा सियाल को मीरा सियाल एक इंडियन ओरिजिन की एक्टर और राइटर हैं वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे रिलीज करती है और हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इंडेक्स है जो रिलीज़ किया जाता है क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक आई है इस बार 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और ये लगातार गिरती जा रही है साल दर साल और इसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की इंडिया से बेहतर रैंकिंग है 150 और 152 और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उन्होंने पिछले साल से इम्प्रूव किया है और इंडिया इम्प्रूव नहीं कर पाया 150 थी लास्ट टाइम इंडिया की जो अब गिर के 150 161 हो गई है और इसमें टॉप पे रहने वाली जो कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे आयरलैंड और डेनमार्क और नीचे से टॉप करने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो है नॉर्थ कोरिया चाइना और वियतनाम हुज़ बिकम द हाइस्ट पेड एथलीट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है हाइस्ट पेड एथलीट्स की जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर वन पर हैं एक सौ छत्तीस मिलियंस के साथ दूसरे नंबर पर मेसी हैं और तीसरे नंबर पर किलियन एम्बापे हु द न्यू वर्ल्ड चेस चैंपियन अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी जिसमें मैग्नस कार्लसन जो अभी तक के चेस चैंपियन रहे हैं पिछले दस साल से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसलिए इस बार जो नए चेस चैंपियन बने हैं वो हैं डिंग लिरेन ये चाइना के हैं डिंग लिरेन हाउ मैनी इंडियन कंपनीज आर देयर इन वर्ल्ड्स टॉप हंड्रेड यूनिकॉर्न्स अब ये एक यूनिकॉन्स की लिस्ट आई थी टॉप हंड्रेड की जिसमें इंडिया की छः कंपनीज़ हैं ये छः कंपनीज़ कौन कौन सी हैं रेजर पे बाईजूज़ स्विगी ओयो ओला और ड्रीम इलेवन ये छः कंपनीज़ टॉप हंड्रेड में हैं इसके अलावा यू नंबर वन पे है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है वहाँ दूसर पर दूसरे नंबर पर चाइना आता है और इंडिया आता है तीसरे नंबर पे इंडिया में करीबन 115 यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया में जो सबसे पहली कंपनी डेक अकाउंट बनी थी डेक अकाउंट जिसकी वैल्यूएशन दस बिलियन से ज्यादा हो जाती है वो होती है डेक अकाउंट और ऐसी कंपनी थी आईपीएल आईपीएल सबसे पहली डेक अकाउंट थी इंडिया की विच कंट्री हैज लॉन्च गीगा चैट टू कंपीट विद चैट जी चैट जी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है इससे कंपीट करने के लिए रशिया ने अपना एक नया ए टूल बनाया है गीगा चैट इसे अच्छा नाम ये गीगा चैट रख देते बार बार जुबान पर वो गया था गीगा चैट तो गीगा चैट ये चैट जीपीटी के अराइवल की तरह रशिया ने लॉन्च किया है हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्पेशल सेंटर फॉर मालदीव्स मालदीव्स के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर उनकी कोस्ट गार्ड वगैरह अपने शिप्स को हार्बर कर पाएंगे तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अब आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया और मालदीव्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका क्या नाम है इन विच कंट्री आई एन एस सतपुड़ा एंड आई एन एस डेली हैव अराइव्ड टू पार्टिसिपेट इन ए आई एम ई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ए आई एम ई आसियान इंडिया मेरेटाइम एक्सरसाइज आसियान दस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है इंडिया इनका डायलॉग पार्टनर है और ये वाली एक्सरसाइज आसियान और इंडिया की जो मेरेटाइम एक्सरसाइज है ये हो रही है इस बार सिंगापुर में है. नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विल बी लॉन्च बाई इंडिया एंड विच कंट्री इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे इसका एम होगा ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डी कार्बोनाइज करवाना जिससे हम नेट ज़ीरो एम्बीशंस को अचीव कर पाए विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर MSMEs अफेक्टेड बाई कोविड नाइन्टीन तो जितने भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो कोविड नाइन्टीन पैंडामिक की वजह से नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं तो उन्हें एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए सरकार अपनी स्कीम लेके आई है विवाद से विश्वास विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द preparedness एंड रिजिलियंस फॉर एमरजिंग थ्रेड्स initiative? ये कोविड नाइन्टीन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है इसमें आने वाले टाइम में कोई ऐसा पेंडेमिक अगर आया तो हम उससे कैसे टैकल कर सकते हैं मिसहैपनिंग्स होने से बचा सकते हैं और जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई थी वो आने वाले टाइम में ना हो तो उन सब की तैयारी के लिए ये इनिशिएटिव डब्ल्यू ने शुरू किया है थ्री न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैव बीन डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट अभी राजस्थान की सरकार ने तीन नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए हैं पहला है सोरसान बरान डिस्ट्रिक्ट में दूसरा है किंचन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में और तीसरा है हमीरगढ़ बिलवाड़ा में ये तीन रिजर्व बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर एनडेंजर स्पीशीज बहुत सारे हैं जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ब्लैक बक्स हैं इसके अलावा वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं जिनकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से तीन नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए हैं ओके गाइस तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री ये साइक्लोन अभी तक आया नहीं है आने वाला है इसलिए अंडमान निकोबार वाले रीजन में ऑलरेडी अलर्ट घोषित कर दिया है इसके लिए और इसका नाम रखा है येमन ने इसका नाम मोचा इसलिए क्योंकि येमन में एक पोर्ट सिटी है उनकी मोखा के नाम से और उसको माना जाता है कि आज से करीब पाँच साल पहले उन्होंने कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करी थी वर्ल्ड को तो मोचा कॉफी होती है इसलिए इसका नाम मोचा रखा गया है ओके okay, तो ये थे आपके मई महीने के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट अब इनका रिवीजन करिएगा अच्छे कर से आप दो एक बार वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और मन लगा के पढ़ाई करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अल सी इन द नेक्स्ट क्लास